हमारे साथ इस वक्त हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी, जो कि आपको मालूम ही है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और साथ ही साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। और आज हिमाचल के लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि विजय हजारे कप पहली बार हिमाचल ने क्रिकेट में जीता है। सर, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत बहुत स्वागत है पहली बात तो हमारे साथ ही 1-2-1 में। सर, हिमाचल प्रदेश की टीम के सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ, जिनकी मेहनत, प्रयास और शानदार प्रदर्शन के कारण हिमाचल ने पहली बार विजय हजारे चैंपियनशिप जीती, नेशनल चैंपियन बने, तमिलनाडु की टीम को फाइनल में हराया है और एक बड़ा लक्ष्य उसको पार करने में वो कामयाब हुए। ये अपने आप में दिखाता है कि खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, हिमाचल ने इतिहास रचा है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ और हिमाचल प्रदेश की जो युवा टीम है, उनको बहुत बहुत बधाई। मुझे पूर्ण विश्वास है हिमाचल के लिए स्वर्णिम पल है और इससे आगे हिमाचल की और अच्छा प्रदर्शन आने वाले वर्षों में होगा। कल सर आप स्टेज साझा करेंगे प्रधानमंत्री जी के साथ, क्या उम्मीदें आपको, क्या मिल के जाएगा? और कल ग्राउंड ब्रेकिंग भी है, सेकंड लगता है आपको कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे MOU साइन हो सकते हैं? हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहले बताया कि हज़ारों करोड़ रुपये के कल MOU साइन होंगे, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। और ये तो MOU पहले साइन होते, ग्राउंड ब्रेकिंग इसीलिए हो रही है। दूसरा, मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदा हिमाचल प्रदेश के लिए दिल खोल कर दिया है, किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी, चाहे सड़कें हों, रेल हो, स्वास्थ्य हो या शिक्षा की मूलभूत सुविधाएं हों, उसमें हिमाचल को पहले से ज़्यादा ही दिया है। इसलिए कल तो हिमाचल को प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना है कि प्रधानमंत्री जी अपना आशीर्वाद देने आ रहे हैं। हम कोई मांग नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में जयराम जी की सरकार के 4 वर्ष पूरा होने पर अपना आशीर्वाद देने आ रहे हैं, लोगों से मिलने आ रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। जी सर, ये थे अनुराग सर सिंह ठाकुर जी और इन्होंने बताया कि बधाइयां दी है हिमाचल की टीम को और ये बहुत ही खुशी की बात है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर से बात करने के लिए। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।